Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to the DSA-One course. और आज की वीडियो में बात करने वाले हम buy and sell stock part 2 के बारे में. इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हम देखा था part 1 जिसके अंदर हम सिर्फ एक बार stock को buy कर सकते थे and sell कर सकते थे. आज वाली problem के अंदर हम जितनी मर्जी बार भी stock को buy कर सकते हैं और sell कर सकते हैं. तो जितने मर्जी buy operation, जितने मर्जी sell operation हम कर सकते हैं और अपने profit को हमें maximize करना है. एक इसके अंदर कैच है वो ये कि बाय के बाद हमेशा आपको सेल करना है. ठीक है, इसका मतलब आप दो बार लगातार बाय नहीं कर सकते. इसका मतलब आपके पास एक बार में सिर्फ एक ही स्टॉक होना चाहिए, एक बार में आप दो स्टॉक्स लेके नहीं बैठे हो सकते. ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि आपको अगेन एक एरे दे रखा है और इस एरे के अंदर हर डे पर आपको बता रखा है कि स्टॉक का प्राइस कितना है. तो एक ही स्टॉक है जिसके मल्टीपल प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, फ्यूचर के प्राइस भी आपको पहले से पता है और आप जितने मर्जी स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपके पास एक ही स्टॉक होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक दिन एक बार में दो स्टॉक है, मतलब बाय के तुरंत बाद सेल करना है. तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, टू वाले दिन खरीदा और सेवन वाले दिन बेच दिया. ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो सकती है हमारी. अगली ट्रांजेक्शन क्या होगी, हमने थ्री वाले दिन खरीदा और सिक्स वाले दिन बेच दिया, तो ये ट्रांजेक्शन हो सकती है हमारी. और अगली ट्रांजेक्शन क्या होगी, हमने वन वाले दिन खरीदा और फोर वाले दिन बेच दिया. तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो सेवन माइनस टू यहाँ से आता है हमारे पास फाइव, थ्री माइनस सिक्स हमारे पास आता है थ्री, फोर माइनस वन हमारे पास आता है थ्री, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है इलेवन. ठीक है, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इलेवन का मिल सकता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से नहीं मिलेगा. तो ये है वो प्रॉब्लम. और अभी आई थिंक आप लोगों को ये जो मैंने किया यहीं से समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी सोचो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और देन हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ को यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियरली समझ में आए क्या मैं सोल्यूशन अब आपको प्रपोज करने वाला हूँ. तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि जब भी इसका एक बॉटम आएगा ना तब हम इसे बेच देंगे और जब भी इसका पीक आएगा तब इसे हम खरीद लेंगे. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहीं से समझ में आ गया होगा कैसे होगा. तो जब भी इसका एक लोकल मिनिमम हमें मिल रहा है, ठीक है, स्टॉक प्राइस का लोकल मिनिमम जब भी मिल रहा है तभी हम स्टॉक को खरीद लेंगे और जैसे हमें पता चला कि इसका पीक आ गया है हम उसी टाइम इसे बेच देंगे. और यही एक बेस्ट मतलब आइडियल सिचुएशन यही होगी, किसी भी स्टॉक मार्केट की आइडियल सिचुएशन यही होगी कि जब इसका मार्केट डिप हो, सबसे ज़्यादा मार्केट डाउन हो, तब इसके स्टॉक्स को आप खरीद लो और जब मार्केट एकदम टॉप पे हो, मतलब जब क्रैश करने वाला हो तब आप इसे बेच दो. लेकिन हमें पता नहीं रहता ना फ्यूचर का कि कब बॉटम होगा और कब टॉप पे रहेगा, तो इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको अगर पिछला ट्रेंड पता होता है स्टॉक मार्केट के अंदर तो वहाँ पर ज़्यादा हेल्प होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर में आती हैं. बट यहाँ पर उससे बाहर निकलते हैं, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम पर वापस आते हैं. तो जब हमारा मार्केट एकदम डाउन होगा तब हम इसे खरीदेंगे और जब हमारा टॉप पे होगा तब हम इसे बेचेंगे. तो हमने टू पर खरीदा, सेवन पर बेचा, तो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा फाइव का. ठीक है, तो इस वाले से हमें फाइव का प्रॉफिट मिलेगा. देन अगला बॉटम लोकल मिनिमम ये है. ठीक है, लोकल मिनिमम कब होगा, जब इससे लेफ्ट वाला और इससे राइट वाला इससे बड़ा होगा, ये होगा लोकल मिनिमम की पहचान. ठीक है, लोकल मिनिमम की पहचान क्या है कि इससे लेफ्ट वाला भी बड़ा है, इससे राइट वाला भी बड़ा है. और लोकल मैक्सिमम की पहचान क्या है कि इससे लेफ्ट वाला भी छोटा है और राइट वाला भी छोटा है. तो हमने थ्री पर खरीद दिया और सिक्स पर बेच दिया क्योंकि सिक्स है लोकल मैक्सिमम. कैसे, क्योंकि सिक्स से लेफ्ट वाला भी छोटा है और सिक्स से राइट वाला भी छोटा है, थ्री और वन. तो यहाँ से हमें मिलता है थ्री, सिक्स माइनस थ्री विच इज थ्री, यहाँ से मिलता है. देन यहाँ पर आए अगेन, ये हमें मिल गया लोकल मिनिमा क्योंकि इससे लेफ्ट वाला भी इससे बड़ा है और राइट वाला भी इससे बड़ा है. तो हमने यहाँ पे वन पर खरीदा इसे. फिर क्या, टू पे बेचेंगे, टू पे नहीं बेचेंगे क्योंकि टू वाला एक लोकल मैक्सिमा नहीं है. फोर पे बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर से लेफ्ट वाला भी छोटा है और राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो फोर हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया एक तरीके से. और फोर माइनस वन यहाँ पर हमें मिलता है थ्री. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली सोल्यूशन कि जब भी हमें एक लोकल मिनिमा मिले तब हम इसे खरीद लेंगे और जब भी हमें लोकल मैक्सिमा मिले तब हम इसे बेच देंगे. और यहाँ से हम अगर ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. अब बात आ जाती है कि कैसे फाइंड करें लोकल मिनिमा मैक्सिमा. तो बेसिकली आप एक बार इस पूरे एरे के अंदर ट्रेड कर जाओ और जब भी कोई एलिमेंट ऐसा लगे कि हाँ ये लोकल मिनिमा है तब आप उसे खरीद लो, और जब आपने ऑलरेडी खरीद लिया तब आप लोकल मैक्सिमा की तलाश में निकल जाओ आगे. ठीक है, तो इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं. या फिर एक और बहुत ही सिंपल कोड होगा इसका जो मैं आपको अभी कोड करके बताता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे कोड कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने कोई यहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ढूंढने का ट्राई नहीं किया है. बेसिकली एक छोटी सी एक ट्रिक लगाई है इसके अंदर, उस ट्रिक से वो सारा जो एक कम्बर्सम कोड था वो नहीं करना पड़ा मुझे. बहुत ही सिंपल स्वीट सा कोड यहाँ पर हो गया है. और वो ट्रिक क्या है, बेसिकली ये है. सपोज करो जैसे फाइव टू फाइव पर तो कुछ नहीं होगा, टू पर आए तो टू पर भी कुछ नहीं होगा, सिक्स पर आए हम तो मैं बोलूँगा कि सिक्स की वैल्यू, सिक्स वाली जो वैल्यू है वो पिछले वाले कल से ज़्यादा है. राइट, तो सिक्स इज़ ग्रेटर देन टू तो मैं खरीद लूँगा यहाँ पर. सिक्स माइनस टू कर दूंगा मैं तो हमारे यहाँ से मिलेगा फोर. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं देखूँ क्या इसकी वैल्यू कल के मुकाबले ज़्यादा है. नहीं, मैं बस कल के साथ चेक कर रहा हूँ और कुछ मैं चेक ही नहीं कर रहा, मैं बस यस्टरडे के साथ चेक कर रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे आऊँगा, क्या इसकी वैल्यू से ज़्यादा है, हाँ इससे ज़्यादा है, तो फोर माइनस वन कर दूंगा मैं थ्री. अब मैं आगे बढ़ जाऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा सेवन फोर से बड़ा है, हाँ सेवन फोर से बड़ा है, तो सेवन माइनस फोर कर दूंगा मैं अगेन विच इज़ थ्री. तो यहाँ पर देख रहे हो, अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कर रहा होता तो क्या होता है, यहाँ पर मैं बोलता कि लोकल मिनिमा है वन तो वन पर मैं खरीदूंगा और
7 है लोकल मैक्सिमम, तो 7 पे मैं बेचूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। 7 माइनस 1 करके भी 6 आ रहा है और ये दो ट्रांजेक्शन करके भी 6 आ रहा है। ट्रांजेक्शन तो मैं जितनी मर्जी कर सकता हूँ, तो मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ यहाँ पे। तो 4 माइनस 1 करके 3 आ रहा है, 7 माइनस 4 करके 3 आ रहा है, तो 3 प्लस 3 6 मिल रहा है मुझे अगेन। तो मैं वही कर रहा हूँ, बस मैं पिछले वाले कल के साथ चेक कर रहा हूँ, जिससे मेरा कोड सिंपल हो गया है। लॉजिक अभी भी वही है, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट अभी भी वही है। आगे बढ़ते हैं, तो अब अगला आता है हमारा 3। क्या 3 7 से बड़ा है? नहीं, 6 3 से बड़ा है, हाँ तो 6 बड़ा है, तो 6 पे हम बेच देंगे और 3 पे खरीदा होगा, तो 6 माइनस 3 विच इज 3 अगेन। तो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है 9 4 13, तो 13 यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यही कोड यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, आप देख रहे हो, मैं हमेशा बस अपने पिछले वाले दिन के साथ ट्रैक कर रहा हूँ। तो एक प्रॉफिट बनाया मैंने, और आई इक्वल्स टू 1 से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से चलना स्टार्ट करेंगे। अब ए आई इज ग्रेटर देन ए आई माइनस 1, क्या 2 5 से बड़ा है? 2 5 से बड़ा नहीं है, तो इफ वाले कंडीशन में जाएगा भी नहीं, लूप आगे बढ़ जाएगा, 6 पाएगा। 6 2 से बड़ा है, क्या ए आई इज ग्रेटर देन ए आई माइनस 1? हाँ, 6 2 से बड़ा है, तो प्रॉफिट के अंदर हम ऐड कर देंगे 6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2 हम ऐड करेंगे विच इज 4, तो प्रॉफिट के अंदर अब हो जाएगा 4, तो प्रॉफिट के अंदर आ चुका है 4। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अब आ गया हमारा डे ये वाला, जिस दिन प्रॉफिट जिस दिन प्राइस 1 है। तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 6? नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम अगले वाले दिन पे चलेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 1? हाँ, 4 इज ग्रेटर देन 1, तो प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे 4 माइनस 1 विच इज 3, तो 4 प्लस 3 विच इज 7, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 7। अब अगला दिन आएगा हमारा 7 पे, 7 इज ग्रेटर देन 4? हाँ, 7 इज ग्रेटर देन 4, तो 7 माइनस 4 कितना होगा? 3, 3 भी ऐड कर दो प्रॉफिट के अंदर, तो 3 प्लस 7 विच इज 10, तो अभी हो जाएगा 10। अब अगला आएगा दिन 3, तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो इस वाले के अंदर नहीं जाएगा। 6 पे आएंगे, 6 इज ग्रेटर देन 3? हाँ, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो प्रॉफिट के अंदर हम 6 माइनस 3 विच इज 3 ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 13, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के झंझट में नहीं पड़ा मैं, और एक छोटी सी ट्रिक लगा के इस कोड को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ही यार हमारी ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एरे के अंदर और थोड़ी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ चलते हैं, ये वाली वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।